अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। यकीनन आज के कुछ शोज, अगर आपने पहला हिस्सा हमारे शो का देखा हो जिसके अंदर ज्यादा न्यूज एंड करंट अफेयर्स की बात की जाती है, दिल बड़ा बोझल है जी। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि हम में से मुझे आज समझ में आता है इस मुहावरे का या इस सेइंग का मतलब जो कि हमारे सामने आती है कि एक इंसान का कत्ल दरअसल इंसानियत का कत्ल है। और हम जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह हमारे रवैयों में शिद्दत पसंदी आ गई है और सेंसिटिविटी, हसासियत खत्म हो गई है, हमदर्दी खत्म हो गई है, तो वाकई ऐसा लगता है कि एक इंसान का नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग जो नजरियाती इख्तलाफ रखते हैं, आज भी उनके दिलों में वो नरमी, वो एहसास, वो हमदर्दी नहीं आ रही एक मरहूम की लवाहिकीन के लिए या एक इंसान की जिंदगी के चले जाने के लिए, और तानों का सिलसिला चल रहा है। एंड आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि दुनिया से इंसान रुखसत हो जाता है लेकिन दुनिया वालों की बातें खत्म नहीं होती। और आज सोचा कि चले इसी पर बात करते हैं कि जो हम हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। भाई, लोगों का काम तो सोचना और कहना है, और आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन उनका टोकना, कहना, ताने, तिरछियां, ये बर्छियां नहीं खत्म होने वाली। तो फिर अपनी जिंदगी को अपने नजरिए, अपने फिक्र के अंदाज से कैसे जिए और कैसे हक बात करें जो आपका सच है। और ये सच कुछ भी हो सकता है, आपका ऑथेंटिक ट्रूथ जो आप यकीन रखते हैं, जो आपके ख्याल में सही तरीका होना चाहिए। तो आज इस पर बात करते हैं जी। और खास तौर पर अगर कोई आपसे इख्तलाफ रखता हो और वो जाती इख्तलाफ तक बात पहुंच जाए, यानी आपसे सिर्फ नजरियाती इख्तलाफ नहीं, आपसे जाती इख्तलाफ हो जाए कि आपकी जान के दर पे हो जाए, या फिर आपको बुरा भला कहें, आपकी अचीवमेंट्स को डिस्क्रेडिट करें और आपको ताने दें, तो सही तरीका क्या है अपने आप को सही राह पे गामजन रखने का कि आप सीधे रास्ते पे चलते रहें और वो करें जो आपका दिल चाहता है। आज जब से बात करते हैं जी, जबरदस्त हमारे पास पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हैं अनम अजहर जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया अनम हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा मौज़म शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यकीनन एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ रिसर्चेस से वाबस्ता रहते हैं, नौजवानों से रिलेटेड रिसर्चेस होती हैं, तो बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माई वेरी डियर फ्रेंड एंड अ थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हुमैरा आफान। थैंक यू हुमैरा फॉर मेकिंग टाइम। सबसे पहले मौज़म, अगर आपकी तरफ आऊं, इख्तलाफात कहा जाता है कि जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इस वक्त हमारे सामने एक बड़ी बदनुमा रियलिटी है जिसमें हम कहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा समाज, हमारा पूरा का पूरा माशरा बटा हुआ है, पोलराइज्ड है। हमारा सही दूसरे के सही से नहीं मिलता, और अगर मैं सही हूं और दूसरा गलत है तो बस फिर तो बात ही खत्म है ना, हम बात ही नहीं करना चाहते। ताने पहले पीछे दिए जाते थे, अब मुंह पे दिए जाते हैं, और यानी बड़े तल्ख अल्फाज में आपके साथ इख्तलाफ राय किया जाता है। क्या कहेंगे, किस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं जी मौज़म? बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले तो अरशद शरीफ साहब के लिए बहुत दुख, बहुत ताज़ियत अल्लाह ताला के दर्जात बुलंद फरमाए। सेकेंडली मैं बात करते रहूंगा, देखें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरह हुमज़ा में, देन सूरह हुजरात में, कि जो भी गीबत करता है या ताना देता है उसके लिए बहुत ही बुराई है, उसके लिए बहुत ही खसारा है। फरमाया गया कि तुम किसी के ऊपर मत मुस्कुराओ, हो सकता है जिसके लिए चाहे वो उसमें इसमें भी देखे तो ने फरमाया कि जो किसी इंसान को दस्त देता है वो उसकी जितनी भी फर्ज और नवाफिल बातें हैं वो जाया होते हैं। इतना सीरियस मत। अब आज इसको अब हमारे पाकिस्तान के मामला के ऊपर, जाती मामला के ऊपर हम इतना ज्यादा प्राइज हो चुके हैं, चाहे वो मजहब की बेस के ऊपर हो, वो लसानी की बेस के ऊपर हो, वो कौम की बेस के ऊपर हो, वो सियासत की बेस के ऊपर हो, इतना ज्यादा पोलराइजेशन है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि रिवर्सल कैसे होगा। और हम इसकी वजह से होता क्या है कि सच जो है वो छुप जाता है, क्योंकि मेरी निगाह जो है वो बायस्ड है, मैं उस बायसनेस से उसको देख रहा हूँ, और मेरी बायसनेस मुझे मजबूर करती है कि मैं सच को छुपा दूं, और जो जिस भी पार्टी को या जिस उनकी नफस की जमात को या जिस कौम को मैं सपोर्ट करता हूँ मुझे उसका नजरिया जो है वो दुरुस्त नजर आए और बाकी सब गलत नजर आए। अच्छा मौज़म, इसमें सिर्फ सच ही नहीं, हमारा हदफ
भी रुक जाता है। यानी आपका जो एक कौमी नजरिया होना चाहिए, कौमी हदफ होना चाहिए। हम बात करते हैं जी, पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की आवाम में 60% आवाम सतह गुर्बत से नीचे है। इसके अलावा 2 करोड़ स्कूल जाने की उम्र के बच्चे स्कूलों में नहीं है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम हमारे सामने है। सैलाब के मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 30 लाख बताई जाती है। ये तमाम अहदाफ, ये तमाम रियालिटीज आंख से ओझल हो जाती हैं सिर्फ इसलिए कि हम एक नेगेटिव पैराडाइम में हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अगले को ताना देना, बुरा करार देना, उसकी उसकी स्ट्रैटेजी में लूप होल तलाश करना, उसका माजी बार बार उठाना, उसको कहना कि जी फलानी चीज में आपकी भूल चूक हुई है। सो ये हमारा जी एक नेशनल हॉबी इस वक्त बनी हुई है। हुमैरा क्या कहेंगी, कमिंग डाउन टू कम्युनिटीज, आर वी सो पोलराइज्ड एंड सो इंटेंस इन आवर व्यू कि आपको कोई मीडियल ग्राउंड नजर आ रहा है? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक योर स्पॉट ऑन कि अगर हम पोलराइजेशन के बारे में बात ही ना करें, आई थिंक जिस द नेगेटिविटी दैट इज देयर, पोलराइजेशन तो मे बी व्हेन देयर इज सम एयर ऑफ पॉजिटिविटी एज वेल, लेकिन आई थिंक एज अ नेशन हमें इतनी आदत है सिर्फ बोलने की और ना सुनने की। एंड आई विल नॉट से कि ये किसी भी तबके का है, बट आई थिंक एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, बिकॉज इफ यू सी वेरी जनरली नोन, कम्युनिकेशन टू वे होती है, बोलना और सुनना दोनों ही, खासतौर पर अच्छा बोलना और अच्छी तरीके से सुनना। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमारे ही नीड इतनी ज्यादा होती है हर वक्त सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन अक्रॉस करना और अगले की बात को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट देना, रादर देन हम उसका नजरिया समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज वेयर जहां आपका दिमाग भी खुलता है, आपका थोड़ा माइंड खुलता है, जब आप किसी पर्सपेक्टिव से किसी की बात सुने, उससे अग्री करें या अग्री टू डिसएग्री भी करें, बट हम इतने रेजिमेंटेड रिजिड तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस करते और अगले की बात सुनते हैं कि आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रिजिडिटी देर इज नो प्लेस फॉर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ ओपिनियन, ग्रोथ ऑफ माइंडसेट, एंड इसी के साथ एक बहुत ही रिजिड माइंडसेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अनम, आपके पास ये बात लेके आना चाहूंगी। कल ही मैंने एक बात सुनी कि जब कोई इंसान गुस्से में भिपरा हुआ आपको कोई ताना देता है तो जरा गौर से सुनिए, बिकॉज ये वो बात थी जो वो काफी दिनों से अपने सीने में दबाए बैठा था और आपसे कहना चाहता था और अब बल आखिर उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने चिल्लाकर वो बात कह दी है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? अगर इसको एज इन सिर्फ एक बंदे एक व्यू पे देखा जाए तो इट्स एक्चुअली ट्रू कि जो ताना दे रहा है देयर इज अ बैक स्टोरी टू इट एज वेल, क्योंकि बात ये होती है कि ये एक ऐसा पैरासाइट है जो जिस इंसान के साथ, चाहे वो विक्टिम है या वो कहने वाला है, उसके साथ लग जाए तो ये उसकी सेल्फ इस्टीम को ट्रैश करके हटता है अगर तो उसको सही तरह प्रोसेस ना किया जाए। तो द थिंग इज कि अगर इंसान, ये हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम अब क्या है कि ये इसको हम बुलिंग से भी वो कर सकते हैं ना सिंक्रोनाइज, तो ये अब हर हमारी लाइफ के हर चैप्टर में मौजूद है, एज इन मतलब वर्क प्लेसेस देख लें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देख लें, एंड इफ इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट के ज्यादातर जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, इट्स लाइक आफ्टर ये जो हमारी न्यू रिलेशनशिप्स आते हैं लाइफ में, उसको लेके जो प्रॉब्लम होती हैं वो स्टार्ट ही इसी बेस पे होती हैं कि एक दूसरे की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल है उसको जो है, या ईगो है या सेल्फ स्टीम है, उसको आपस में डाइजेस्ट करने की हिम्मत नहीं होती और अंदर मतलब इन अ वे, इन अ सर्टन काइंड ऑफ वे वो चीज़ें स्टोर होती जाती हैं, उनको प्रॉपर चैनल की नहीं किया जाता, तो वो इन अ फॉर्म यही इमोशन जो है वो इन अ फॉर्म एग्रेशन के फॉर्म में या फिर तानों के फॉर्म में। वही वाली बात कि दोनों साइड से इसको जरा रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। मौजम, जो बात मैं अनम से कह रही थी कि जो ताना देने वाला है वो पैसिव अग्रेसिव हो सकता है, प्योरली अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस बात को महसूस करता है, उसकी बिटरनेस, उसकी रिजेंटमेंट उस बात पर है, तो हम क्यों नहीं कोई बेहतर तरीका अपने आप को अजर्ट करने का निकाल लेते? और खुसूसन अगर आप तानों में देखें वो जातियात पे उतरा जाता है, यानी आपको एक तरह से जदोकोब जाती तौर पे किया जाता है, आपके नजरिए, यानी आर्ग्यूमेंट वर्सेस आर्ग्यूमेंट नहीं होता, लॉजिक वर्सेस लॉजिक नहीं होती, जहां तमाम लॉजिक खत्म हो जाती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स खत्म हो जाते हैं, वहां उस शख्स पे पिन पॉइंट करके कोई आप उसकी जाती चीज उठा लेते हैं। व्हाट डज इट से अबाउट द पर्सन जो ताना दे रहा है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मैं उसी में एड ऑन करूंगा, मैं आपसे डिफर बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि प्री बायस्ड ओपिनियन तो होती है जिसकी वजह से हम ताने पे जाते हैं, चाहे वो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने ये सोचा होता है कि ये शख्स ये काम नहीं कर सकता और आप उसको फिर जब वो कर लेता है तो आप आउट ऑफ जेलसी उसके ऊपर आप उसको ताना देते हैं, या आपकी दूसरी तरह से एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कर सकता था या इसको ऐसे करना चाहिए था, आपके मुताबिक उसको क्या करना चाहिए था, जब वो आपके मुताबिक वैसे नहीं करता तो आप फिर उसको
ताना देते हैं, तो जो कुछ भी होता है वो आपके अंदर होता है, उसमें दूसरे का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि दूसरा जो है वो इंडिविजुअल है, उसकी अपनी लाइफ है, अपनी सोच है, अपने सर्कमस्टांसेस हैं, ही इज फ्री टू मेक हिज ओन डिसीजंस टोटली। आपको अपनी जात देखनी चाहिए, मेरे ख्याल में द बेस्ट वे है वो आप ये देखें कि आपके अपने अंदर जाके कि आप क्या कर रहे हैं, आपका अपना मामला जो है वो चाहे दीन है दुनिया है दोनों में आपके अमल से जिंदगी बननी है, जन्नत भी या जहन्नम भी। बिल्कुल सही। आपको क्या लगे दूसरा क्या कर, आपको क्या लगे दूसरा क्या कर रहा है। हम जब तक दूसरों की जिंदगी में नोकझोंक करते रहेंगे ना कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, हमारी अपने से भी तवज्जो हट जाती है, चाहे हम कारोबार कर रहे हो या जाती जिंदगी में हमारे। लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है मौजम, और हुमैरा ये आपकी तरफ लाना चाहूंगी कि पहले हमारे समाज हमारे माशरे का हुस्न ये था कि हम बड़े लिहाज वाले लोग थे, यानी हमें अगर किसी से इख्तलाफ भी है कोई चीज बुरी भी लगती थी तो शर्मा शर्मी में लिहाज में हम कहते थे यार ये बात मैं कैसे इससे कहूं। इस वक्त हम इतने मुंहफट क्यों हो गए, हम इतने बदतमीज क्यों हो गए कि हमें इस बात की फिक्र ही नहीं है कि ये जुमला अदा करते हुए मेरे अपने किरदार के ऊपर क्या इसका अक्स आ रहा है या मेरे बारे में लोग क्या ख्याल बनाएंगे, अगले के दिल पे क्या गुजरेगी। वी जस्ट वॉन्ट टू से इट आउट लाउड। व्हेन डिड दिस चेंज हैपन? It's a lot to do with freedom of speech and I want to speak my mind. But ये समझने की बहुत जरूरत है कि yes, like you said, एक लिहाज होता है, there's a time and place for everything. You can't speak your mind anywhere and everywhere in any way. And even if you want to, उसमें एक लिहाज आपने ये देखना है आप कहीं किसी के साथ condescending ना हो जाए, आप belittling ना हो जाए, आप अपना opinion बड़ा objectively बताएं, express करें, subjective होके personal attacks ना करें जो आप पहले की बात कर रही थी। So somehow this freedom of speech because of social media, everybody feels they have a right to express themselves anywhere and you know everywhere. So somehow especially youth ke andar bahut zyada ye aa gaya hai and honestly speaking because people are even receiving it. I don't think that khali ye one way hai ki log apna opinion har jagah pe khula aam de rahe hain, log receive bhi kare, isliye ek wo confidence level badh bhi raha hai agle ko apna ye lekin mujhe bataye ki justify bhi kar rahe hain us anger ko, hum apni badtameezi pe रीजंस भी निकाल लेते हैं और हम समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं। तो करते हैं हम जब यही अपनी बात अपने किसी फ्रेंड दोस्त या किसी ग्रुप में बैठ के बोले कि मैंने तो उसको ये बोल दिया, तो अगली जो ग्रुप है जो आपका सोशल सर्कल है वो आपको इतना बैकअप कर लेता है, वो आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, आपको इतना अफर्मेटिव और अश्योर कर लेता है कि यू फील यू डन द राइट थिंग। सो आपका वो बिहेवियर इंसेंटिवाइज हो जाता है एंड वो आपका रीइंफोर्स हो जाता है बिहेवियर, सो नेक्स्ट टाइम के लिए देन यू डू इट अगेन। एंड आई विल टेल यू वाई दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। अगर हम पूरी इस खित्ते की और पूरी दुनिया की सियासी इनकलाबी तारीख को उठाकर देखें, शुरुआत ऐसी ही होती है, पीपल वेन दे लेट गो ऑफ दिस फियर एंड दे बिकम बदतमीज एंड अग्रेसिव और रिजेंटमेंट इतनी बढ़ जाए तो कई आप देखें कि बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ माशरे में इंसाफ कायम करने की नीयत से या इदारों को कवानीन को इक्विटी को स्ट्रांग करने की नीयत से जो तहरीकें शुरू होती हैं इनकलाब, वो खूनी इंकलाब में बड़ी तेजी से बदल जाती हैं और फिर सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे तज़ियाकार इस बारे में रोशनी डाल रहे हैं कि हम उस नहज पे आ खड़े हुए हैं जब हमारे इख्तलाफात, हमारे ताने, हमारी रिजेंटमेंट शायद हमें एक ऐसी आंख में झोंक देंगे जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? अलामा रूमी की बात से शुरू करना चाहता हूँ। रूमी ने कहा कि दादा आदमी सुबह से शाम तक बैठकर मनाजरा करते रहे, कभी उनकी दाढ़ी का एक बाल नहीं टूटता और बेअकल चंद घंटों में नौजवान हो जाते हैं। सही। बदकिस्मती हमारी सिदर एक बात ये है, मैं भी एक सियासी जमात से ताल्लुक रखता हूँ 30 साल से जी। आप जो अदब बर्दाश्त पैदा हो गई है सियासत की बजाय जात पर हम उतर रहे हैं और मैं ये फिक्र इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। हमारे अंदर बिच्छू जैसी खसलत पाई गई है। बिच्छू का काम आप देखी करो, बदी करो, डंग डाल देता। और एक और जानवर है उसकी भी मिसाल देना चाहता हूँ, सिर्फ वो अपनी जात का दुश्मन है, वो कुत्ता है जो किसी तौर पर दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। हम अशरफुल मखलूक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमारे पास सब्र शुक्र ये दो बड़ी नियामत है, बर्दाश्त बड़ी नियामत थी, ये हमसे खत्म हो चुकी है। जो बात आपने अभी कही है जी, हम जिस तरफ जा रहे हैं, मैं बाखुदा नामा इकबाल ने कहा जो मैं देखता हूँ यार किसी और को भी दिखला दे, जो मैं अपनी नजर से देख रहा हूँ
मुझे इस पाकिस्तान के अंदर हजारों लाखों इंसान का खून बहता हुआ नजर आ रहा है और है क्या हमारी अपनी जात इकतदार है। ये वो चीज है जो इंसानों को तबाह और बर्बाद कर देती है। ना हमारा कोई मंशूर है, ना हमारा प्रोग्राम है, ना कौम को देने के लिए हमारे अंदर सलाहियत है कि हम कौम को मंशूर दें। हम कौम को क्या दे रहे हैं कि वो जोर ये जोर मैं असल हूँ, इससे पूरी कौम तकसीम हो गई और बहुत खौफनाक आपका पेश आ सकता है अगर हमने इसको न रोका। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह भी हमने अपनी तारीख से ऐसा लगता है कुछ सीखा नहीं। बिल्कुल सही आप फरमा रहे थे कि हमने अपने मुल्क को पहले भी 71 में दो लख्त होते हुए देखा एंड वी डोंट रियलाइज के हमारे आपसी डिफरेंसेस, हमारे ताने, हमारी कड़वाहट किस तरह हमारी जड़ों तक सराहियत कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे। टर्न अराउंड कैसे मुमकिन हो, इसमें बड़े दिल का, दयानतदारी का और खास तौर पे हौसले का, जर्फ का मुजाहरा किसको करना है। हाउ कैन वी टर्न दिस शिप अराउंड, इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।